स्वागत है दोस्त आज की इस वीडियो में। ये हमारे पास में बाइक है, हीरो की बाइक है, करिश्मा ZMR। तो ये बाइक है फ्यूल इंजेक्टर बाइक है। तो इस बाइक को जो है किसी मैकेनिक के पास जो है ये 3 महीने से खड़ी थी ये बाइक। तो ये हमारे पास में जो है काफ़ी दूर से आई है, कहना चाहिए यहाँ से 30-35 किलोमीटर से हमारे पास में आई है ये बाइक जो है। तो ये ऐसे मैं जो है चेक कर रहा हूँ। तो ये जो चेक करने का स्टेप है ये हर फ्यूल इंजेक्टर बाइक में जो है आपको करना चाहिए, चेक करना चाहिए। तो ये बाइक जो है उन्होंने, मैं कहना नहीं चाहता, पर उन्होंने बहुत कोशिश की इस बाइक को स्टार्ट करने को, पर स्टार्ट नहीं हुई बाइक। तो उन्हें फॉल्ट भी पता नहीं चला कि इसमें जो कौन सा पार्ट्स जो है ख़राब है, जिसके चलते जो है बाइक काफ़ी समय से खड़ी रह गई। तो ये बाइक जो मेरे पास आई है, अब मैं इसे जो है चेकआउट कर रहा हूँ कैसा है इसे जो है। तो देखिएगा आप जो है, तो सबसे पहले जो है मैं क्या किया हूँ इसमें जो है, ये बैटरी, नया बैटरी जो है मैं अपने दुकान से जो है इसमें डाला हूँ, और इसका जो ये पुराना जो बैटरी है तो ये बैटरी जो है हम निकाल दिए हैं। तो इसका जो यहाँ पे सारा कुछ जो है इसमें लाइट आ गया है, देख पा रहे हैं। और इसका जो चेक लाइट है, माल फंक्शन लाइट, वो जो है इसका कोई बिलिंग नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई शो नहीं कर रहा है। और इसमें जो है मैं लगाता हूँ सेल, तो देख पा रहे हैं सेल प्रॉपर तरीके से सेल्फ ले रही बाइक। और ये इसका थ्रोटल बॉडी है, यहाँ पे देख पा रहा है, ये जो काफ़ी समय से जो है गैरेज में खड़ी थी और ये हमारे पास में आई हुई है। तो उन्होंने जो है ये सारा कुछ जो है इसमें चेक किया इस बाइक में, यहाँ पे इसका फ्यूल पंप है ऐसे भी उन्होंने चेक किया। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो है इस तरीके से ये सारा कुछ ऐसे जो है ठोकर मारे हैं ऐसे जो है फ्यूल पम्प को। ये जो रिले है ये नया फिटिंग हुआ है इसमें, जो कि हमारा कहना चाहिए फ्यूल पंप को चलाता है। तो ये सारा कुछ, ये पैनल जो है मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर ऐसे जो हम चेक करेंगे, पहले इसमें जो है वोल्टेज चेक करेंगे, इसमें जो करंट आ रहा है फ्यूल पंप में वो आ रहा है या नहीं वो चेक करेंगे। और इसमें जो है फ्यूल भी है इसके टैंक में जो है, तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे इसमें। तो ये इसका फ्यूल पम्प है, हमें जो है इग्निशन ऑन करना है इस तरीके से और ऐसे चेक करना है। तो इसमें जो है किसी प्रकार का जो है ये चल नहीं रहा, जो कि हमें महसूस नहीं हो रहा है, हाथों पे जो है महसूस नहीं हो रहा है, एक थोड़ा सा साउंड आता वो महसूस नहीं हो रहा। इसके लिए जो है ये कपलर जो है ये निकालना है यहाँ पे, और एक लैंप की मदद से जो है यहाँ पर जो है इसे अटैच करना है इस तरीके से। और हम जो है इसका इग्निशन जो है ऑफ करके जो है ऑन करेंगे। तो देख पा रहे हैं ये जो बल्ब जल रहा है और फिर से ये बंद हो गया, जैसे कि हर बाइक में होता है, ये जल रहा है और फिर बंद हो रहा है। तो सेल्फ लगाने पर भी जो है ये चल रहा है जैसे कि जो है चलना चाहिए। तो इसका फ्यूल पंप ख़राब हो गया, प्रॉपर करंट आ रहा है जो कहना चाहिए फ्यूल पंप को चलाने के लिए, पर ये जो फ्यूल पंप है ये काम नहीं कर रहा है। इसका सारा कुछ जो है रिले भी ठीक है क्योंकि यहाँ तक जो है करेंट आ रहा है। तो इसका जो फ्यूल पंप है वो देखना पड़ेगा हमें, जो है ऑर्डर करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है कब आती है, फिर ये इस बाइक को जो हम स्टार्ट करेंगे फ्यूल पंप डाल के, तो ये जब आ जाता है फिर हम देखते हैं। A few moments later. तो फाइनल हमारे पास जो है ये पंप आ चुका है। और दूसरा चीज़, ये जो है हमारे पास में 5वें दिन में ये हमारे पास पहुँचा है, और इससे मैं जो है ऑनलाइन अमेजोन से परचेज़ किया हूँ। तो ये पहले हम देखते हैं इसकी क्वालिटी क्या है। तो देख पा रहे हैं ये जो है ये इसका फ्यूल पंप, इसे ओपन करेंगे पूरा। सर्विस सेंटर वालों से बात हुई थी तो हमें काफ़ी टाइम ले रहे थे, और वो जो है 9,500 रुपये का हमें पड़ रहा था, और ये जो है 3,499 रुपये का मुझे पड़ा है। देख पा रहे हैं इसकी जो क्वालिटी है, लोकल है पर ठीक है। भाई को मैं बोल रहा था कि इस बाइक में जो कार्बेटर फिटिंग करने पर जो है भाई जो है फ्यूल पंप ही लगाने के लिए बोले, तो हम फिट करते हैं बाइक में। तो यहाँ पर जो फ्रेंड्स मैं जो है इसका ये फ्यूल पंप है जो हमने बुलाया था वो फिटिंग कर दिया हूँ प्रॉपर तरीके से। और ये इसका जो है यहाँ पे अंदर यहाँ देख पा रहे हैं ये जो है ये इसका फिल्टर है, जो कि हमारा इस वाले पाइप में जो है फिटिंग होगा अंदर वाले पाइप में, और ये इसका रिटर्न है। तो ये रहा इसका फ्यूल पंप जो ओरिजिनल जेन1 जो है हीरो कंपनी से जो आया था। तो इसका जो इसमें जो है देख पा रहे हैं ये इस तरीके से जो है इसका मोटर जो है अंदर ख़राब हो गया है ये, और ये हम ओपन करेंगे तो ये
बनेगा नहीं है, इसलिए जो है मैं इसमें जो है नया फ्यूल पंप जो है बुलवा कर डाला हूँ। और अब हम इस बाइक को करते हैं स्टार्ट। तो देख पा रहा है लाइट आ गई है और हम जो है इस लगाते हैं सेल। तो बाइक जो स्टार्ट हो गई है, देख पा रहे हैं। प्रॉपर तरीके से जो है बाइक स्टार्ट हो गई है और किसी प्रकार का कोई मिसिंग नहीं है बाइक में। और ये पैनल मैं आपको ओपन करके दिखा दूं। इसका जो बैटरी था, जो ओल्ड बैटरी है वही वाला इसमें जो बैटरी डला था, वही बैटरी इसमें डला है। और बाकी इसमें जो है जो हमें सर्विस में करना है, इसका थ्रोटल बॉडी क्लीन करना है और एयर फिल्टर हमें चेक करना है। दूसरा चीज़ इसका जो है इंजन ऑयल चेक करना है। तो आपके पास कभी ये दिक्कत आए तो आप अच्छे से चेक करें, तभी आप जो है एक फ्यूल इंजेक्टर बाइक को, किसी भी कंपनी का बाइक है फ्यूल इंजेक्टर बाइक जो है, आप उसे जो है सॉर्ट आउट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में अगले नए जानकारी के साथ।